तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये व्रत में खाए जाने वाले चटपटे आलू और उसके साथ ये खीरे का रायता और ये व्रत वाली चटनी। तो ये व्रत के लिए थाली बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है, एकदम से स्वादिष्ट। तो चलो बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी थाली। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेह सिंह, तो मम्मी की रोटी गोल गोल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गोल, मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। तो देखिए रख दी है गैस पे कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे घी। घी हो गया है गरम, अब हम घी में डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो ज़रूर डालें, और नहीं खाते हैं तो जीरा को स्किप कर दें। तो जीरा को चटकने देंगे। तो देखिए जीरा अच्छे से चटक गया है, भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च ली हैं और थोड़ा सा अदरक, अदरक को बारीक बारीक कट कर दिया है हमने। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो देखिए हमने आलूओं को उबाल के कट कर लिया है। आलूओं को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम आलूओं को अच्छे से पकाएंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो, और आलूओं को जब उबालें तो बहुत ज़्यादा ना उबालें, नहीं तो आलू मैश हो जाएंगे। तो देखिए आलू अच्छे से सिक गए हैं और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इनमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, व्रत वाला नमक, और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन आलूओं में ऐड करेंगे मूंगफली। तो ये ली है मैंने मूंगफली, मूंगफली को मैंने रोस्ट करके और दरदरा पीस लिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और नींबू का रस, अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो ये लीजिए व्रत में खाए जाने वाले चटपटे आलू बनके तैयार हैं, और ये आलू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो आप बनाएंगे रायता, तो हमने लिया है ये दही और लिया है हमने खीरा। देखिए खीरा को हमने ग्रेट कर लिया है और इससे सारा पानी निचोड़ दिया है, और ये एक खीरा है। तो दही में खीरा को डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो तीखा आप अपने हिसाब से करें, हमने 1 हरी मिर्च ली है। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो गैस पे रख दिया है तड़का पैन, और इसमें हम डालेंगे मूंगफली का ऑयल। तो ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो ज़रूर डालें, और नहीं खाते तो स्किप कर दें। तो अब हम इसमें डालेंगे ये मैंने 1 लाल मिर्च ली है, मिर्च को कट कर दिया है। तो ये लीजिए हमारा तड़का बनके तैयार है। तो अब हम तड़का को रायते के ऊपर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब बनाएंगे चटनी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है फ्रेश हरा धनिया, उधर धनिया को हमने मैं डंठल के साथ लिया है। अब हम ले रहे हैं 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, मूंगफली और नींबू का रस, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे, थोड़ी सी चीनी लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो अब चटनी को पीस लेंगे। चटनी तैयार है। तो ये लीजिए सारी चीज़ें बनके तैयार हैं, ये व्रत में खाए जाने वाले चटपटे आलू और ये रायता और ये चटनी। तो आज की इस थाली की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।